بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। मोहतरम सामीन और जूम ऐप मीटिंग क्लास को अटेंड करने वाले प्यारे बच्चों, दोस्त अहबाब, सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस मौके पर कुलीन तंजीम इस्लाम महाशा की तरफ से, हैदराबाद की जानिब से, ये हम मसले की तंजीम है, इसको इसमें बच्चों को खासकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जैसा कि इस्लाम सारा का सारा आमाल से है, अमल करने से है, इल्लल्लज़ीन आमनू वअमिलुस सालिहात, पूरे आमाल आमाल करना है, काम करना है, इबादत करनी है। अल्लाह ताला ने इंसान और जिनों को पैदा किस लिए किया? इबादत के लिए। वमा खलक़तुल जिन्नि वल इंसि इल्ला लियअबुदून, हमने जिनों और इंसानों को पैदा इसलिए किया कि वो हमारी इबादत करें। तो इबादत के तरीके हमको सीखना चाहिए। तो बच्चों बचपन में अगर सिखा दिया जाए तो वक्त जरूरत, जैसा कि वजू का तरीका बताया गया कल और नमाज का तरीका बताया गया, फिर उसके बाद आज इमामत का तरीका, बच्चों को अगर इमामत का तरीका बचपन में सिखा दिया जाए तो इसके लिए जरूरत पड़ने पर कभी वो नमाज भी पढ़ा दे सके। क्योंकि आजकल गांव में उलमाए कराम यानी कि आइमाए मसाजिद और हुफ्फाज़े कराम वहां पर नहीं मिलते हैं, तो मस्जिदों में जोहर की नमाज पढ़ाने के लिए, असर की नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिदों को ताले रहते हैं। इसलिए मुसल्लियों में यदि बच्चे अगर सीख जाए तो बड़े होने के बाद बूढ़े हुए तक वो इमामत कर सकते हैं, यानी कि नमाज पढ़ा सकते हैं, उनको नमाज पढ़ाने आएगा। तो आज मौलाना हाफिज तौफीक दानियाल, जो वुडब्रिज हाई स्कूल के इंग्लिश मीडियम उसके उस्ताद हैं, टीचर हैं, वो इंशाल्लाह इमामत का तरीका बताएंगे। इस्लाही माशा व इजाले मुनकिरात की जानिब से बच्चों को वजू के तरीके के साथ साथ नमाज पढ़ना और इमामत करने का तरीका भी बताया जा रहा है। उसके सारे चीजें इसमें तहरीर किया गया है, अशकाल के साथ दर्ज है। अब इमामत का तरीका शुरू होने जा रहा है। के लिए सबसे पहले अकामत की जाएगी, दी जाएगी, तो एक अकामत दीजिए हाफिज अज़हर साहब। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله। मगरिब की नमाज पढ़ी। अब उसके बाद मगरिब की नमाज का तरीका बताया जा रहा है। इनो इमामत करेंगे। सबसे पहले तकबीर तहरीमा के लिए अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ उठाएं। अल्लाह अकबर। अल्लाह सना पढ़ें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तबारक इस्मुका व तआला जिद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद ताउस और तस्मिया पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। उसके बाद कोई ज़म सूरह यानी कि सूरह इखलास पढ़े। قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। الله أكبر कहते हुए रुकू में जाए। الله أكبر रुकू की तस्बीह पढ़े। سبحان ربي العظيم। उसके बाद سمع الله لمن حمدا कहते हुए سمع الله لمن حمدا ربنا ربنا الله أكبر कहते हुए सजदे में जाए। الله أكبر سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى الله اكبر कहते हुए उठें। الله اكبر जलसे में जाए। रब्बी اغفر لي पढ़ें। रब्बी اغفر لي रब्बी اغفر لي रब्बी اغفر لي फिर सजदे में जाए। الله اكبر الله اكبر سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى फिर الله اكبر कहते हुए और
अल्लाहु अकबर। सूरह फातिहा पढ़े। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين। सूरह एक पढ़े। قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। الله أكبر कहते हैं रुकू में जाए। الله أكبر। रुकू की तस्बीह पढ़े। سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم। سمي الله لمن حمده कहते हैं। سمي الله لمن حمده ربنا لك الحمد। الله أكبر कहते हैं। الله أكبر। सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला। अल्लाह अकबर कहते हुए जलसे में जाएं। अल्लाह अकबर। तीन मर्तबा रब्बिक फिली पढ़े। रब्बिक फिली रब्बिक फिली रब्बिक फिली। फिर रुको में जाएं। अल्लाह अकबर कहते हुए। अल्लाह अकबर सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला। अल्लाह अकबर कहते हुए कायदे में बैठे। अल्लाह अकबर। तशहद पढ़े। तहियातु अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वस्सलावातु वत्तैयिबातु वत्तैयिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियु अय्युहन नबियु वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातु वबरकातु अस्सलामु अलैना वअला वअला इबादिल्लाहि इबादिल्लाहि सालिहीन सालिहीन। अशहदु अल्ला पे हाथ उठाए। अशहदु अल्ला इल्ला अल्लाह पे छोड़ दे। इल्लल्लाह वअशहदु अन्ना वअशहदु अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु वरसूलु वरसूलु। अल्लाहु अकबर कहते हैं और कहम जाए। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह फातिहा पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिल में फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाए। रुकू में तस्बीह पढ़े। सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम। समी अल्लाहु लिमन कहता हुआ। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर कहता हुए अल्लाहु अकबर सजदे में जाए। सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला। अल्लाहु अकबर कहते हुए जलसे में जाए। अल्लाहु अकबर। रब्बी अग़फिर ली तीन बार। रब्बी अग़फिर ली रब्बी अग़फिर ली रब्बी अग़फिर ली। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा करें। अल्लाहु अकबर सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला। अल्लाहु अकबर कहते हुए कायदे में बैठे। अल्लाहु अकबर। ये दो कायदे हो चुके। फिर तशहद पढ़े। التحيات التحيات لله لله والصلوات والصلوات والطيبات والطيبات السلام عليك السلام عليك أيها النبي أيها النبي ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وبركاته السلام علينا السلام علينا وعلى وعلى عباد الله عباد الله الصالحين الصالحين। أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। उसके बाद दरूद इब्राहिम पढ़े। اللهم اللهم صل على محمد محمد وعلى آل وعلى آل محمد محمد كما صليت كما صليت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل وعلى آل إبراهيم إبراهيم إنك إنك حميد مجيد حميد مجيد اللهم اللهم بارك على بارك على محمد محمد وعلى آل وعلى آل محمد محمد كما باركت كما باركت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل وعلى آل إبراهيم إبراهيم إنك إنك حميد مجيد حميد مجيد। इसके बाद दुआए मासूरा पढ़े। اللهم إني اللهم إني ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلما كثيرا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب ولا يغفر في الذنوب إلا أنت إلا أنت فاغفر لي فاغفر لي مغفرة مغفرة من عندك من عندك وارحمني وارحمني إنك أنت إنك أنت غفور الرحيم غفور الرحيم। इसके बाद सलाम फेरे। السلام عليكم ورحمة الله। यहाँ से कहते यहाँ से निकाल कहते हुए ये कहते السلام عليكم ورحمة الله। एक सलाम को दूसरे सलाम से पस्त करना चाहिए। फिर यहाँ पे लाके निगाहें रखे। السلام عليكم ورحمة الله। फिर यहाँ पे निगाह छोड़ दी। ये मुकम्मल नमाज का तरीका बताया गया है। कुछ गलतियां भी इन्हों करे इसी तरह उनकी गलतियों को हम सॉल्व करेंगे।
तो इसमें ये नमाज पढ़ाने वाले, अब चूंकि ये नमाज पढ़ना भी सीख गए और नमाज पढ़ाना भी आ गया, तो जब नमाज पढ़ाते हैं तो उस वक्त सूरह फातिहा बुलंद आवाज से पढ़ना होगा, और रुकू सजदा वगैरह के लिए अल्लाह अकबर समी अल्लाह और हमीदा यही आवाज होगी। फिर उसके बाद ये एक सूरत पढ़ी जाएगी जोर से, यानी दो रकत में दो सूरतें पढ़ेंगे, सूरह फातिहा जोर से पढ़ेंगे, बाकी पूरा सिर्री है यानी के मुंह में पढ़ने का रहता, बुलंद आवाज से ना पढ़े, तो ये इमामत है। तो इस तरीके से इमामत का तरीका सीखने से बहुत फायदे हैं इंशाल्लाह। आज हम ये इमामत का तरीका बताए हैं, और इसके साथ साथ नमाज कारण, एक नमाज कारण ये बच्चों के लिए नमाज कारण बना दें। ये नमाज कारण रहता, ये मस्जिदों में मकानों में, मस्जिदों में और स्कूल में ये नमाज कार्ड बना दें। पांच वक्त नमाज की हाजिरी इस तरफ होगी, और इस तरफ नमाज की हाजिरी होगी फजर जोहर असर मगरिब इशा, और इमाम साहब की या मौजिन साहब की या वालिदैन की दस्तखतें होंगी, और बच्चे पांच वक्त की नमाज की पाबंदी करना होगा, तो इससे उनको आदत होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज की आदत डालो, बच्चा 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो मारो, यानी ना पढ़े तो उसको मारो, और इसका बिस्तर अलग कर दो। कल हम इंशाल्लाह ये नमाज कारण और नमाज की पाबंदी की तरकीब के बारे में इंशाल्लाह कल हम समझाएंगे। आज हमारा यहाँ पर ये नमाज का तरीका यानी इमामत के तरीका हम यहाँ पर खत्म करते हैं। दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार, सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अल मुरसलीन, अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।